नमस्कार, मैं हूं जहरा रिजवी और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। भारत की आवाज के साथ आपका स्वागत है। उन्नाव आचलगंज पार्षद प्रत्याशी आशीष कुमार रावत पर जानलेवा हमला। आचलगंज थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 2 निर्दलीय प्रत्याशी आशीष कुमार रावत के घर पर विपक्षी प्रत्याशी के लोगों ने लाठी डंडे के साथ किया हमला। 30 से 35 लोगों को आता देख आशीष ने दरवाजा बनकर छत से बनाया वीडियो। बनता देखकर हमलावरों ने जाति सूचक गालियां देते हुए चुनाव न लड़ने की दी धमकी। विपक्षी प्रत्याशी के लोगों ने आशीष कुमार को चुनाव लड़ने पर जान से मारने की दी धमकी। पीड़ित ने आचलगंज थाने में दी तहरीर पर अभी तक नहीं हुई कोई सुनवाई। संवाददाता आशीष कुमार गौतम की रिपोर्ट। आशीष कुमार रावत है और मैं आचलगंज से आया हूँ। हम चुनाव लड़ रहे हैं जिसमें ब्राह्मण समाज के लोग पहले हमारे साथ में थे और अब SC सीट आ जाने के कारण अब पहले ये कह रहे थे कि हम सब लोग आपके साथ में हैं और अब जब SC सीट आ गई है, पहले पैसा दे रहे थे तो हम बोले कि पैसा जो है हम नहीं लेंगे, हम अपना पैसा जो लगेगा हम लगा लेंगे, लेकिन जो है ये पैसा ना लेने के कारण बोल रहे थे। पहले बोल रहे थे मिलकर चलाएंगे, लेकिन हम बोले कि अपनी जनता के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। और जैसे हमने मना किया, इन्होंने काफ़ी प्रत्याशी वहाँ पर उतार दिए और उतारने के बाद ये हमारे घर पर सुबह 8 बजे था लगभग, लाठी डंडों से लथपथ होकर के हमारे घर पर आवास पर चढ़ाए और जैसे हमने वीडियो बनाना शुरू किया, गाली गलौज दे रहे थे, वीडियो बनाना देख करके ये तुरंत वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद हम चुनाव लड़ रहे हैं जिसके कारण हमने कोई कार्यवाही नहीं किया। उसके बाद रात में, सोमवार वाली रात को ये हमारे आवास पर 2 लोग आए थे और जिनके हाथ में असलहा था और वो दोनों लोग हमें रपेट लिए। दौड़ के हम जो है घर में घुस गए और काफ़ी डर गए थे, उनको हमने पहचाना नहीं था, लेकिन 99% हमें आशा है कि यही लोग होंगे। अभी तक पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई की? हमने मंगलवार को जो है एप्लीकेशन दिया था, लेकिन SO साहब ने हमें आश्वासन दिया था कि जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। पुलिस उनके साथ में है, उनका सपोर्ट कर रही है।